सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेमोगेट स्कैंडल की समाअत, हुकूमत वुजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालती हुक्मनामे को तस्दीक का निशाना बनाया। यह मौके वफाक का था या वुजरा का इनफरादी? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। एबटाबाद कमीशन का इजलास आज हो रहा है, हुसैन हकानी और शेख रशीद पेश होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी इलाज मुकम्मल होने पर दुबई से कराची पहुंच गए। सदर की वापसी के साथ ही मुल्क में जारी अफवाहें भी दम तोड़ गईं। लाहौर और गुजरांवाला रीजन में सीएनजी स्टेशन आज से 3 रोज के लिए बंद, सार्फीन को मुश्किलात का सामना। अमरीका और तालिबान के माबेन जारी खुफिया मुजाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए, बरतानवी अखबार का दावा। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इल 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। और ढाका टेस्ट का 3रा रोज, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का खेल जारी।